इंडिया टीवी योगा पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं साध्वी देवांशी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक विषय को लेकर के कि योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी के माध्यम से हम अपने शरीर को अपने मन को किस प्रकार से पूर्ण स्वस्थ और निरोगी कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारे जो पेट के विकार हैं गैस कब्ज एसिडिटी इनका निवारण किस प्रकार से होता है और जो हम आसन करते हैं आसन केवल एक रोग के लिए नहीं एक आसन से हमको अनेक प्रकार के रोगों में लाभ प्राप्त होता है। हमारा पेनक्रियाज हमारा आमाशय स्टमक हमारे किडनी लीवर हर्ट लंग्स इत्यादि जो हमारे सभी ऑर्गन्स हैं स्वस्थ होते हैं पुष्ट होते हैं निरोगी होते हैं। तो आसनों का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम योग मुद्रासन। योग मुद्रासन आप आसन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठ करके अपने बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखेंगे तत्पश्चात दाएं हाथ को रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए इनहेल करते हुए धीरे से सामने झुकेंगे। इस आसन के अभ्यास से हमारा पेनक्रियाज सक्रिय होता है और हमारे लीवर पर हमारे किडनी पर हमारे पेट पर इसका सुप्रभाव पड़ता है। कुछ समय के लिए इस आसन में रुकने के बाद पुनः श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद अभ्यास करेंगे वक्रासन अर्धमत्स्येन्द्रासन। उसके लिए सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे और दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठने के पश्चात वक्रासन के अभ्यास के लिए बाएं पैर को मोड़ करके दाएं जंघा तक लेकर के आएंगे। बाया हाथ पीछे और दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए पैर को क्रॉस करते हुए दाएं पैर के घुटने को पकड़ेंगे और बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे जितना आप कर सकते हैं। श्वास गति सामान्य धीरे धीरे श्वास लेंगे छोड़ेंगे। कुछ समय के लिए आसन में रुके रहेंगे। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है स्थिर सुखम आसनम स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक। जब हम किसी आसन का अभ्यास करते हैं तो यदि हम उसमें कुछ समय के लिए रुकते हैं तो उस आसन का विशेष लाभ होता है। यदि हम तुरंत गए तुरंत वापस आ गए तो आसन का विशेष लाभ नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी करेंगे। अब इसके पश्चात हम अभ्यास करेंगे मंडूकासन का। मंडूकासन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। बैकबोन स्ट्रेट दोनों हाथ थाइस के ऊपर श्वास गति नॉर्मल। अब मंडूकासन। मंडूकासन के लिए अब दोनों हाथों को सामने खोल करके मुट्ठी बंद कर लेंगे अंगूठा अंदर की तरफ। अब दोनों हाथों को नाभि के पार्श्व में लगाते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामने झुकेंगे। दृष्टि सामने नासिकाग्र पर। मंडूकासन एक ऐसा आसन है एक आसन के करने से अनेक प्रकार की समस्याओं का निदान होता है। मंडूकासन आपके उदर संबंधित समस्याओं के लिए लीवर के लिए आंतों के लिए और हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ करने के लिए हमारे जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए एक विशेष रामबाण की तरह काम करता है। तो कुछ समय के लिए इस आसन में रुकने के पश्चात पुनः श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब मंडूकासन का दूसरा अभ्यास एक के ऊपर एक हथेली रख करके नाभि के ऊपर रख करके पुनः श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। इस आसन में आप कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। आसन प्लस प्राणायाम दोनों एक साथ होंगे तो जल्दी ही आपकी जो समस्या है उससे आप निदान पा सकते हैं।
धीरे से वापस आएंगे अपनी अपनी समस्या के अनुसार आसन का अभ्यास। यदि आपको अधिक समस्या है, आप नहीं बैठ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप केवल प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप आसन कर सकते हैं तो अवश्य ही करें, क्योंकि आसन का भी विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। हम जब झुकते हैं, दाएं तरफ बाएं तरफ झुकते हैं, हमारे जिस अंग पर हमारा स्ट्रेस पड़ता है, दबाव पड़ता है, वो अंग हमारा स्वस्थ होता है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन का। दोनों पैर सामने खोल लेंगे, तत्पश्चात दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर लेकर के और बाएं पैर को नितंब से स्पर्श करेंगे और अपने दाएं हाथ को उठाकर बाएं हाथ को उठा करके क्रॉस करते हुए पैर को पकड़ेंगे, बॉडी को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। अर्ध मत्स्येन्द्रासन, इस आसन में कुछ समय के लिए स्थिर रहें और अपने मन को शांत करें और यह सोचें कि इन आसनों से, इन प्राणायाम से मेरा संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरे जो विकार हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, सभी बाहर निकल रहे हैं और जो शुभ है वो मेरे अंदर आधान हो रहा है। तत्पश्चात वापस आएं।